प्रणाम किया, माँ की आंखों में आंखें डाल करके एकदम से जवान की भी आंखों में से आंसू निकल पड़े, तो दोनों वो जवान और माँ भी रोती है, कहती है कि बेटे तू मुझे देख करके क्यों रोया। जवान कहता है कि माँ मेरे पास में तेरे लिए कोई शब्द नहीं जो मैं तुझे आके बता दूं कि तेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। जैसे ही माँ ने उस जवान के मुख से सुना तो धरती और आसमान एक हो गए उस माँ के लिए, दहाड़ मार के गिर पड़ती है, कहती है ओ मेरे बेटे बदन सिंह आज मैं वाकई तुझे याद कर रही थी, मेरे लाल तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। वो बेटे वो माँ धर्मवती हुक मार के रोती और पीछे से भीतर मकान में से वो बेटी सुनीता भी पछाड़ खाती हुई आती है। सारा गांव मित्रों गांव इकट्ठा हो गया, एक मिनट में ही पूरे एरिया में खबर फैल गई, आज हमारा बेटा वीर सपूत बदन सिंह देश को शहादत दे करके चला गया है। अब वो जवान अपनी माँ धर्मवती से यूं कहता है कि माँ तेरे बेटे ने वो काम किया है जो शायद कोई नहीं कर सकता, अब तू रो मत, बदन सिंह तो नहीं आ सकता। इस रागनी के माध्यम से न्यू कहने लगा, आइए अगर कोई लाइन ठीक लगे तो तालियों का आशीर्वाद जरूर दे देना। सुनिए ये रागनी मैं आपके बीच में रखूंगा। सुनो धर्मवती तेरा बदन सिंह तो ओढ़ तिरंगा सो गया, हरी खाली पिंजड़ा पड़ा हुआ इसका हंस रवाना हो गया, हंस रवाना हो गया। हरी धर्मवती तेरा बदन सिंह तो, धर्मवती तेरा बदन सिंह तो ओढ़ तिरंगा सो गया, खाली पिंजरा पड़ा हुआ इसका हंस रवाना हो गया, री माँ हंस रवाना हो गया। अब रोए से क्या बनता, अब रोए से क्या बनता, क्यों बेढब नीर बहावे और मुक्का मार सबर का, बोले मुक्का मार सबर का, क्यों बेढब रुदन मचावे, वत होया स्वर्ग का वासी अब ना ढूंढे ते पावे, तेरी बहू सुनीता रोवे क्यों ना इसने समझावे, वो तेरी बहू सुनीता रोवे क्यों ना इसने समझावे। अरे कैसे आवे लाल तेरा, कैसे आवे लाल तेरा रास्ता सुरपुर की वट हो गया, खाली पिंजरा पड़ा हुआ इसका हंस रवाना हो गया, हंस रवाना हो गया। और हमारे हल्का होडल विधानसभा के वर्तमान विधायक आदरणीय उदयवान सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ की सरदारी, यहाँ की कमेटी मित्रौल गांव की सरदारी उन्हें बार बार स्वागत करती है, सम्मान करती है, और मैं उनसे कहूंगा श्रद्धा सुमन अर्पित करके
मंच पर आकर के मंच की शोभा बढ़ाएं और आप सभी लोग इस रागिनी में ही अपने ध्यान को केंद्रित करिए और सुनिए आगे क्या होता है। जब सारा गांव इकट्ठा हो गया ए मेरे विद्वान श्रोताओं, तो सब लोग माँ धर्मवती को पहला फुसला रहे हैं, कहते हैं कि माँ अब तू रोवत, क्योंकि तेरा बेटा देश के लिए शहादत दे करके गया है, सारा गांव रो रहा है, तो क्या व्याख्यान की है कवि ने, आइए सुनते हैं। नर नारी समझावे थे वो, नर नारी समझावे थे वो, आंखों में आंसू भर के रोहतास बदन का भाई, हा? कह बच्चर का दिल करके, गया छोड़े हमें निर्मोही, और रोया भुजा पकड़ के, ओ बदन सिंह मेरे भ्राता, ओह बदन सिंह मेरे भ्राता, तू अमर होया से मर के, ओ बदन सिंह मेरे भ्राता, तू अमर होया से मर के, हर करके कौन करार भ्रात तू, हर के कौन करार भ्रात पसा, कड़ देखो क्या खाली पिजड़ा भजा होया से, हंस रवाना हो क्या, हंस रवाना हो क्या। बीच में आकर के बैठे हो, बड़ी देर से एक किस्सा मैंने अमर शहीद बदन सिंह जी का चला रखा है और मौका भी यह है। आज उनके पिता भागीरथ जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख इंसान के लिए तब होता है जब एक बाप अपने बेटे की अर्थी को कांधा देता है। दुनिया में सबसे बड़ा दुख एक बाप के लिए यही होता है, लेकिन कोई पेश नहीं चलती, एक कोने में खड़े होकर के आंसू बह रहे हैं अपने बेटे के लिए, मूरत को देख रहे हैं अपनी आंखों में पर्दा बना करके, सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मुझे आकर के प्रणाम करता था, नमस्ते करता था, मेरे पैर छूता था, लेकिन आज इस दुनिया को ही छोड़ करके चला गया, तो क्या कहने लगे पिताजी की बात, आइए सुनते हैं। भागीरथ पिता कहे थे, रे भागीरथ पिता कहे थे, सरपंच साहब मैं उन पिताजी को बुलाना चाहूंगा एक बार मंच में, एक बार आ जाओ, क्योंकि ये कैसेट बन रही है, पूरा किस्सा इस दुनिया में जाएगा, दीपा फिल्म्स चैनल पे जाएगा यूट्यूब पे, और मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप वो पिता हो जिन्होंने अपना बेटा देश के लिए शहादत करने के लिए भेज दिया सीमा पे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पिताजी के लिए। सुनिए, भागीरथ पिता कहे थे, रे भागीरथ पिता कहे थे, ओ भागीरथ पिता कहे थे, मेरी ओ आंखों के तारे, तू तो परलोक सिधारा, तू तो परलोक सिधारा, हम छोड़े कौन सहारे, मुख मोड़ चलिया से बेटा, हा? मुख मोड़ चलिया से बेटा, कुछ मेरी खता बता रे, बेटा के बदले ईश्वर, हर पिता की ये आत्मा होती है, अगर बेटा को कहीं कांटा भी लग जाए तो ये कहता है मेरे बेटे को नहीं लगना चाहिए, लेकिन इनके दिलेरी दिल क्या लिखा, बेटा के बदले ईश्वर, वो बेटा के बदले ईश्वर, तू तो ले ले प्राण हमारे, बेटा के बदले ईश्वर, तू तो ले ले प्राण हमारे।
राज दुलारे बोले ना, राज दुलारे बोले ना, पिता हिलकी तन करा क्या, खाली पिंजरा पड़ा हुआ मेरा, हंस रवाना हो गया रे, हंस रवाना हो गया। दुनिया में आया एक रोज यहाँ से जावे, कानून कुदरती सबको, कानून कुदरती देखा, जरा काल सभी ने खावे, जो देश धर्म पे मरता, जो देश धर्म पे मरता, वो वीर सपूत कहलावे, मुट्ठी बांधे आया था नर हाथ पसारे जावे, ये मुट्ठी बांधे आया था नर हाथ पसारे जावे। सुरेंद्र कथिक गावे रंज के, सुरेंद्र कथिक गावे रंज के, अनूठे प्रो गया खाली पिंजरा पड़ा हुआ, तो हंस रवाना हो गया, हंस रवाना हो गया। सुन धर्मपति तेरा पदन सिंह तो, धर्मपति तेरा पदन सिंह तो, और तिरंगा सो गया खाली पिंजरा पड़ा हुआ, तेरा हंस रवाना हो गया,